हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग डेली विद आद्या सो so, मैं हाजिर हूँ लेकर तिलक नगर ट्यूसडे मार्केट का लेटेस्ट व्लॉग अब आप कहोगे धोखेबाज आदू हमसे पोल किसी और चीज़ का करवाया और पहुंच गए आप कहीं और एक्चुअली मेरे घर में पेंट चल रहा है सो so, पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली कहा था बेटा कहीं पास में जाओ और जल्दी आओ सो so, इसलिए मैं तिलक नगर गई और टाइमली घर मुझे आना था तो फ़िलहाल आप यहाँ की मार्केट एंजॉय कीजिए तिलक नगर मेट्रो स्टेशन सबसे यहाँ नेरेस्ट है साढ़े तीन बजे आप इस मार्केट में पहुँच जाइए दैट इज़ द बेस्ट टाइम और जल्दी से अपने अटेंडेंस लगाइए कल कौन कौन इंदरलोक मार्केट आ रहा है जल्दी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस मार्केट में बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन आपको मिलेगा विंटर से रिलेटेड और सरोजनी नगर इसके आगे फेल आपको लगने वाली है आप इस मार्केट में एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताएगा कि आपने क्या थैले भर भर के शॉपिंग की है सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानि आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें सो so मार्केट में जब आप एंटर करोगे ना आपको यहाँ पे बहुत ही सारे टू हंड्रेड रुपीज़ वाले रैक्स मिल जाएंगे जिसमें कि आपको राउंड नेक और कॉलर वाले हर तरीके के स्वेटशर्ट्स और स्वेटर्स मिलेंगे आगे ये मैं आपको जो शॉप दिखा रही हूँ तो ये कुर्ता तो मेरे साथ ही चलने को तैयार हो गया ये थ्री पीस सेट है फोर थाउजेंड और अभी ना मैं सो के उठी हूँ इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी भूत वजह से हो रही है इनके पास सिंगल कुर्ती आपको 500 की मिलेगी और वुलन कुर्ती वाला थ्री पीस का सेट मिल जाएगा आपको थाउजेंड का इस तरीके की वन पीस ड्रेसेस मैंने आपको लाजपत नगर में भी दिखाई थी सो यहाँ पर ये सिक्स फिफ्टी की है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम रेंज में आपको मिल जाती है ये बहुत ही प्यारे वेलवेट मटीरियल की बनी होती है नील लेंथ तक की ठीक है सो आप इसे किसी भी तरीके से वेयर कर सकते हैं इसके बाद में जो यहाँ पर रैक है यहाँ पर बहुत ही अच्छी डेनिम और गर्लेश जैकेट्स मिल रही थी फाइव रुपीज़ में टू अगर आप सिर्फ सिंगल लेती हो तो आपको थ्री हंड्रेड रुपीज़ पे करने होंगे अदरवाइज़ फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ में टू ये भैया ने सैल लगा रखी थी और इसमें कलेक्शन बहुत ही अच्छा था बहुत ही अच्छा मोस्टली जैकेट्स जो है बहुत ही अच्छे मटीरियल में थी इस तरीके के जैकेट्स और टी शर्ट्स के स्टॉल आपको यहाँ पे बहुत ही सारे मिलेंगे और फिलहाल जितना भी मैं आपको मार्केट दिखा रही हूँ ना ये वो है जो यहाँ का परमानेंट मार्केट है लाजपत नगर जैसा यहाँ पे भी सेंट्रल मार्केट है ठीक है जैसे लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट है वैसे ही तिलक नगर का सेंट्रल मार्केट है तो ये यहाँ का परमानेंट शॉप है अभी आगे जहाँ से भी ट्यूसडे मार्केट स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊँगी सो तो ये सब टेनिम में थे अलग अलग शेड्स में फाइव के टू कोई भी आप ले सकते हो और नेक्स्ट जो मैं रैक दिखा रही हूँ यहाँ पर भी सब टू हंड्रेड में था ये देखिए क्रिसमस के लिए कितना क्यूट है ये मल्टी कलर का स्वेटर इसके बाद में रॉयल नेवी ब्लू है वी नेक में मिल जाएगा कार्डिगन स्टाइल मिल जाएंगे इसमें आपको ठीक है तो ये सब आप ले सकते हैं सभी टॉप्स की स्टाइलिंग आपको अच्छी और अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगी स्टफ सबका बहुत अच्छा था मतलब बहुत रेयर इनमें कोई स्वेटर मैंने देखे जिसमें लेंट्स हो या ऐसे फर्ज हो किसी तरीके का मोस्टली इसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्वेटर्स देखे सो आगे यहाँ पर देखिए इस तरीके के आपको कार्टिकल्स मिल जाएंगे टू के इस तरीके की स्टाइलिंग एक एक करके आपको हर रैक में अलग अलग देखने को मिलेगी सो यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ इनके पास में भी सब ए टू जी टू का था आगे एक शॉप मुझे देखिए जहां पर भैया के पास में काफी अच्छे स्टफ में मिनी स्कर्ट थे रुपीस की रेंज में सो इसमें कुछ थे जो के थे 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 जो जो नी लेंथ के के कुछ कुछ अच्छे फ्लेयर्स साथ में लॉन्ग थे इस तरीके का आपको डिफरेंट स्टाइल का स्वेटर मिल जाएगा टू फिफ्टी का और ये ये जो मैं दिखा रही फाइव एक्सल का साइज था बहुत अच्छी सुपर क्वालिटी वूल क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी रेड कलर में सो ये लिबर्टी के बिल्कुल पास में भैया शॉप लगाते हैं यहाँ पे देख सकते हो आप ये जितना भी मैंने अभी आपको दिखाया लिबर्टी के आसपास का है इनके आगे भैया जो शॉप लगाते हैं इनके पास आपको ये सारा फ्री मटेरियल मिलेगा सो so, इनके पास में टू फिफ्टी रुपीज़ का सेल था और बहुत अच्छा क्वालिटी था क्वालिटी के साथ साथ हर टॉप में डिज़ाइनिंग अलग अलग थी आपको डार्क कलर चाहिए पेस्टल्स चाहिए जैसे चाहिए वैसे आप ले सकते हो सो so, इसमें इनके पास कार्टिकन स्टाइल भी था श्रग भी था हाफ स्लीव्स भी था ये सब आप इनसे ले सकते हैं जस्ट नियर द लिबर्टी इनके जस्ट बगल में एक बैग सी बहुत अच्छी शॉप है जिनके पास स्टार्टिंग टू फिफ्टी रुपीज़ से हो जाती है और मैक्सिमम आपको इनके पास जो रेट देखने को मिलेगा वो एट फिफ्टी रुपीज़ होगा इनके पास कई बैग्स ऐसे थे जो कि फ़र्स्ट कॉपी के अकॉर्डिंग थे सो पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे चैनल वगैरह के भी आपको कुछ देखने को मिलेंगे डिज़ाइंस मैक्सिमम एट फिफ्टी रुपीज़ का प्राइस है सो तो ये जो ब्लैक मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी अच्छा लग रहा था अंदर आपको स्लिंग वगैरह मिल जाएगा इसका प्राइस सेवन फिफ्टी है और नेक्स्ट जो भैया ने क्रिश्चियन डियोर का दिखाया है ये सेवन फिफ्टी रुपीज़ का है सो आगे, आगे आपको मार्केट में ट्यूसडे की मार्केट में भी और अच्छे अच्छे बैग्स दिखाऊंगी ये भी एक परमानेंट शॉप है यहाँ की और इनके जो प्राइजेस हैं गाइज़ वो फिक्स रहते हैं इसमें कोई बार्गेन ये नहीं करते ठीक है सो तो ये फर वाला था आपका फ़ाइव में बाटा के सामने देख सकते हो आप बिल्कुल ये सेंट्रल मार्केट में ये आपको शॉप मिल जाएगी वेरी इजिली इनसे नेक्स्ट एक भैया की शॉप दिखा रही हो जिनके पास में ये सारे स्वेट और बहुत ही ब्यूटिफुल कार्टिकल्स थे सिक्स फिफ्टी रुपीज़ की फिक्स प्राइस रेंज में इसमें कलर वराइटी काफ़ी थी भैया के पास साइजेस भी थे डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे हैं सभी फैंसी है पार्टी वेयर हैं और इनके पास में जो नाइट सूट थे वो और भी ज़्यादा क्यूट हैं ये इसका लोअर है और ये इसका अपर है जैसे कोरियन स्टाइल में दिखाते हैं ना लेसेस वाले बहुत ही स्वीट स्वीट कलर्स में तो ये आपको मिल जाएगा इसका जो सेट प्राइस है वो सिक्स फिफ्टी रुपीज़ है ये मुझे भैया ने बताया इसके बगल वाला और भी ज़्यादा क्यूट था इसमें ना आपको ये हर्ट का पैच लगा मिलेगा फर का ये कितना क्यूट लग रहा है देख सकते हो नेक में सो so, इसका फैब्रिक वगैरह भी बहुत ही अल्टीमेट है 650 में और अंदर जो ट्यूज़डे मार्केट है यहाँ का वीकली वहाँ पे भी मैं आपको बहुत सारे दिखाऊंगी सो so, ये जगत एंड कॉस्मॉस वाला शॉप है उनके बिल्कुल आगे भैया हाँ शॉप लगाते हैं इनके बिल्कुल पास में आपको एक <coughs> गॉगल्स और शेड्स की शॉप मिलेगी इनके पास जो मैक्सिमम प्राइस रहता है वो फोर फिफ्टी है और ये भैया हाँ बारगेनिंग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं इनके पास में भी आपको एविएटर्स मिल जाएंगे और आपको फ्रेम्स मिल जाएंगे इस तरीके के शेड्स मिल जाएंगे अलग अलग शेप में सो so, यहाँ से भी आप खरीदारी कर सकते हैं सेंट्रल मार्केट में ही ये जो एरिया है यहाँ पे आपको दो तीन अलग अलग गॉगल्स वाले भैया मिल जाते हैं ठीक है so, सो आप इनसे परचेज़ कर सकते हो इसके बाद जब आप मार्केट में आगे वॉक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही सारे बहुत ही सारे रैक्स लगे हुए मिलेंगे सिर्फ सेंट्रल मार्केट की मैं बात कर रही हूँ अभी ट्यूज़डे की मैं बात ही नहीं कर रही परमानेंट जो मार्केट है यहाँ का वहाँ पे भी बहुत ही सारे आपको इस तरीके के अलग अलग रैक्स देखने को मिलेंगे तो आगे मैं आपको लेके चलती हूँ ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऐसी शॉप आ गई जहाँ पे कोट्स और आपके लॉन्ग कोट्स बॉटम्स बेल बॉटम्स पैंट सब कुछ मिल जाएगा सो फाइनली अभी मेरी जो फेवरेट शॉप है मैं वहाँ आपको लेके चल रही हूँ किन्स के बिल्कुल आगे भैया अपनी शॉप लगाते हैं यहाँ पर पहले मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ जो कि आपके थ्री पीस सेट में आने वाली है इसका प्राइस इन्होंने मुझे थाउजेंड बताया है इसमें आपको की वर्क मिलेगा और की वर्क की अलग अलग डिजाइनिंग मिलेगी सो किन्स के बिल्कुल आगे जो भैया शॉप लगाते हैं ऊपर वाली जो आप लाइन देख रहे हो सो so, प्राइज मैंने इसका कोट कर दिया है इसमें कोई भी आप आइटम लें इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा बट दे ऑल आर वेरी डिज़ाइनर या तो ये यहाँ मिलता है और या फिर ये किसी शोरूम में मिलता है बस ये बात है इसके बाद ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये भी हैवी सुरॉस की वर्क में है क्वालिटी कलर वगैरह भी आप अच्छे से पूरी गारंटी वारंटी के साथ देते हैं और अगला जो मैं दिखा रही हूँ ये भी आपका सेम प्राइस रेंज में है ये नी लेंथ तक का आपका फर वाला ड्रेस आएगा और इसकी डिज़ाइनिंग आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है नेक की इस तरीके से इसका नेक आएगा कलर अब आप, आप इसके देख सकते हो बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें पेस्टल शेड्स आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट जो मैं आपको स्वेटर दिखा रही हूँ ये होने वाला है आपका ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज़ की रेंज में और ये भी बहुत सुंदर लग रहा था आप इसके बाकी शेड्स देखोगे तो बिल्कुल दीवाने हो जाओगे और ये प्राइस बिल्कुल जेनवन है मैंने दरियागंज में इस तरीके का स्वेटर दिखाया था अगर आपको याद होगा तो वो थोड़ा और भी ज़्यादा डिज़ाइनर था हालांकि बट प्राइस रेंज इसका टू थाउजेंड प्लस का ही रहता है आपको कहीं सस्ते में मिलता है या पता है तो मुझे कमेंट करके बता दो ताकि हम वहाँ का भी वीडियो कवर करें यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये कोट सेट है ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज़ की रेंज में और इसकी फिटिंग डिज़ाइनिंग सब कुछ बहुत अच्छा है वुलन पैंट्स और साथ में उसका मैचिंग स्वेटर क्या लग रहा था और इसमें आपको मैं एक ये मैरून वाला दिखाती हूँ जो कि कम्प्लीट थ्री सेट है सो इसमें आपको जो है इसकी ऊपर का एक टॉप मिलेगा उसके बाद ये श्रक मिलेगा और नीचे पैंट्स मिलेगा सो ये जितने भी आप डिज़ाइन्स देख रहे हैं दे ऑल आर फॉर ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज देखिये मेरे चैनल को हर तरीके के लोग देखते हैं तो मैं हर तरीके के बजट को ध्यान में रखे मार्केट कवर करके आती हूँ जाहिर सी बात है कई लोगों की पॉकेट को ये प्राइस सूट नहीं करते तो बने रहिएगा वीडियो में आगे, आगे आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिखाऊंगी जो कि बिल्कुल आपके बजट में आएंगी और आपको वहाँ पे शॉपिंग करने में भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैंने भी आगे जाके ट्यूसडे मार्केट में ही शॉपिंग की थी ओके सो यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिए इसके बाद जो ये वाला रैक है कंप्लीट, इसमें आपको जैसे मैंने अभी आपको लॉन्ग ड्रेसेस दिखाई ये उसका एक शॉर्ट टॉप है सो so ये आपको थाउजेंड रुपीज़ के रेंज में मिलेगा और इसमें भी मल्टीपल कलर्स यू विल गेट और डिज़ाइन इस तरीके से मिल जाएंगे अलग अलग तो ये सब एकदम फ्रेश है डिज़ाइनर है तो इसलिए प्राइजेस तो बनते हैं फिर वही बात है आप मॉल में लेने जाओगे तो ये और भी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट है सो भैया मॉल वाले प्राइजेस तो नहीं दे रहे हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो प्राइजिज आर जेनुअन अगला इन्हीं की शॉप का पार्ट है यहाँ पे आपको इस तरीके के लॉन्ग कोट्स मिल जाएंगे प्राइस मैंने इसका कोट कर दिया है अब आप इसका पास से इसका मटेरियल देखो आपको पता चल जाएगा जैसे आजकल मार्केट में लेदर वाला मटीरियल नहीं चलता बिल्कुल उस तरीके का इसका स्टफ है इसमें भी इनके पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे ठीक है सो फाइनली अभी आप देख लो किन्स के शोरूम के आगे ये शॉप लगती है और किन्स पर भी सेल चल रही है तो मैं जूम करके दिखा देती हूँ बाय वन नाग नाग एन सिक्स नाइन नाइन एन ऑल सो आप यहाँ से खरीदारी करने के लिए आ सकते हैं इन्हीं भैया के पास में आगे एक शॉप है जहाँ पर सेट अगर आप लेते हो कुर्ती प्लाजो का तो सिक्स हंड्रेड का सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी इस तरीके के अलग अलग प्राइजेज हैं ये बिल्कुल इस फ्लैग के नीचे लगाते हैं सेंट्रल पॉइंट में ठीक है तो इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आगे मैं आपको शनील का रेडीमेड मटेरियल दिखाने वाली हूँ शनील के रेडीमेड सूट वो भी बहुत ही ज़्यादा बजट में सो बने रहिएगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद जब भी जिस लेवल पर भी आ जाए लाइक कर दीजिएगा आगे आपको यहाँ पे एक स्टैंड मिल रहा था मेन्स वेयर का सो ये ट्राउज़र्स थे 200 250 के आगे आपको ये रैक मिल रहा है जहाँ पर कि आपको ये कोट्स और जैकेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे भी सेल टू फिफ्टी रुपीज़ की अब आपका हो गया कि ये सब तो आ, सरोजनी में सौ डेढ़ में मिल जाता है मैं देख कर आ गई हूँ सौ डेढ़ का मुझे मत समझाओ क्वालिटी भी देख लिया मैंने हाथ डालने का मन नहीं करता ऊपर से आपको चमकता दिखता है अंदर कहीं ना कहीं उसमें स्टेन होता है या कुछ अजीब सा पैच लगा होता है जो कि उसका होता ही नहीं है मतलब बिल्कुल सूट नहीं कर रहा होता ये जो सारी मैं चीज़ें दिखा रही हूँ ना ये ये है कि पूरा रैक आपके मतलब का है अभी आपकी चॉइस है आपको क्या लेना है जैसे आई रियली पर्सनली लाइक दिस हुडी देख सकते हो आप इतनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी ये टू फिफ्टी रुपीज़ की रेंज में बस साइज मेरा नहीं था तो ये स्टेला स्टोर्स के बिल्कुल सामने वाली शॉप है ये भी परमानेंट है यहाँ की ठीक है अभी ये जो सारा मैं दिखा रही हूँ ये सब परमानेंट शॉप्स हैं इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके के ओवर कोट्स मिल जाएंगे अलग अलग साइज़ और अलग अलग कलर में जो कि फ़ोर फिफ्टी रुपीज़ की रेंज में थे ठीक है इसमें अगर आप थोड़ा सा अर्ली जाते हो ना बोनी वाले टाइम पे तो भैया लोग कम भी कर देते हैं ठीक है ये इन्होंने 450 के बताए आगे इन्हीं की शॉप के पास में यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ट्रेंच कोट्स मिल रहे थे प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है एंड लेट मी टेल यू ये चीज़ जब मैंने ग्राफिटी लेन में सरोजिनी में देखी थी उन सब के कपड़ों की शाइन उड़ी हुई थी और बेल्ट के नाम पर उनमें आपको पता है एक रिब्बन सा बांध दिया जाता है उनकी बेल्ट भी उनसे मैचिंग नहीं होती बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है इनकी शाइन आप देखिए मतलब मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है कपड़ा दूर से ही बता रहा है कि हाँ मैं कुछ हूँ तो so ये वाले ट्रेंच कोट्स वहाँ के प्राइस से के लिहाजा कम प्राइस में वहाँ पे मुझे सिक्स 700 बता रहे थे यहाँ पे इन्होंने फोर फिफ्टी बताया एंड लुक एट दिस जेड ब्लैक मतलब कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है वहाँ पर घसे हुए से मिल रहे थे तो यहाँ से मैं डेफ़िनेटली नेक्स्ट टाइम परचेस करूँगी अभी वीडियो बनाते हुए ना फिर से मेरा इस पर दिल आ गया तो इस बार तो मैंने नहीं लिया लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लूँगी इसके बाद यहाँ पर एक ऑटराइज मिल रही थी कम्प्लीटली फ्रेश थ्री फिफ्टी में इसमें मोस्टली डार्क कलर्स थे भैया के पास और ये सब फ्री साइज़ रहता है सो ये स्टेला स्टोर्स के पास था ये सारा जितना भी मैंने आपको ट्रेंच कोट वगैरह दिखाया अब स्टेला स्टोर्स से बिल्कुल पास में गली जाती है यहाँ से अब मैं फ़ाइनली शुरू करने जा रही हूँ ट्यूसडे मार्केट सो ट्यूसडे uh, मार्केट तिलक नगर का जो है यहाँ पे ना आप साढ़े तीन चार बजे मान लो कि आपको पहुँच जाना है क्योंकि uh, मैं यहाँ पे बाइक से आई थी सीआरपीएफ कैंप की तरफ से तो वहाँ से आते हुए जब मैं सेंट्रल मार्केट की तरफ बढ़ी तो बीच में इतनी सारी शॉप्स थी जो कि भैया बहुत टाइमली लगा लेते हैं उनके कुछ परमानेंट कस्टमर्स हैं जो कि बहुत टाइम से पहुंच जाते हैं और अच्छा एकदम जो मलाई वाला सामान है ना वो लूट ले जाते हैं एंड आई थिंक दे डिज़र्व इट फॉर श्योर और वापस जब मैं उस साइड पर गई हूँ तो जाते जाते अंधेरा हो गया और मुझे पता है कि वो सब कुछ जो है लुट पिट गया था तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो ना तो थोड़ा सा अर्ली ही विज़िट करना शॉप लगते के साथ में जो यहाँ पर सामान मिल जाता है वो सबसे बेस्ट रहता है तो यहाँ पर इस तरीके के, के लोअर्स मिल जाएंगे आपको ओनली फॉर वन फिफ्टी रुपीज़ अब इसमें ना हर तरीके का मटेरियल था इसमें शनील भी था इसमें पैराशूट वाला मटेरियल भी था ठीक है वुलन भी था सब कुछ जो भी आप लोअर में देख रहे हो ये सब वन फिफ्टी की रेंज में है और इस तरीके के आगे, आगे आपको तमाम मिलेंगे और भी हैंगर्स सो नेक्स्ट जो मैं शॉप दिखा रही हूँ ये भी परमानेंट शॉप है यहाँ की भैया ने मुझे बताया इनके पास में मोस्टली जो साइज़ था जो फैशन था वो टीन गर्ल्स के मतलब का था कम्प्लीटली ठीक है सो यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं टू फिफ्टी टू की रेंज में आगे ट्यूज़डे मार्केट का ही पार्ट है जो मैं ये शॉप दिखा और की शॉप की बात कर रही थी 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 इन्होंने पौने पौने लगा ली थी। और मैं यहां पे लगभग आप समझ लो चार थी। तो इतनी देर में तो सब कुछ देख सकते हो आप मोस्टली सेल आउट हो गया था ओनली हंड्रेड रुपीज़ में यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे फैशनेबल फुटवेयर मिल जाएंगे इस तरीके के स्नीकर्स मिल जाएंगे चलाने के लिए ये सारे फ्रेश हैं भाई आप जाके विजिट करके देखना अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है बो के साथ ये हंड्रेड रुपीज़ की है मेरे पास ऐसी बेबी पिंक कलर की हुआ करती थी कभी सो so, इस तरीके के बूट्स वगैरह आपको मिलेंगे जस्ट फॉर पीज हंड्रेड इनकी जो शॉप है बिल्कुल एक फ्लोरिस्ट की शॉप है भैया की उनके पास लगती है आगे जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ यहाँ पे ये भी परमानेंट शॉप है कृष्णा नाम से जिनके पास में आपको नायरा कट पैपलम सूट्स ये सारे मिल जाते हैं तो प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है कुछ बारह सौ का है कुछ पंद्रह सौ का है और हर जगह मार्केट प्राइस यही रहते हैं ऑलमोस्ट इनके से जो बगल वाली शॉप है इनके पास मैंने बहुत ही अच्छे शनील के सूट्स देखे हैं प्राइस मैंने मैंशन कर दिया है और बिल्कुल भी अनबिलीवेबल नहीं है ये मतलब आपको सिला सिलाया मिल रहा है और क्या चाहिए तो इसमें ना इनके पास अलग अलग डिजाइनिंग है फ़र्स्ट जो मैंने दिखाया वो अलग था ये जो मैं दिखा रही हूँ उसमें आपको नेक पे एम्ब्रॉयडरी मिलेगी और प्लेन इसका आपका शॉल मिलेगा जैसे अभी मैं ढूंढ के आई थी कतरन मार्केट में तो मेरे को शॉल ही नहीं मिल रहा था मेरे को टू पीस तो मिल गए थे इससे नेक्स्ट वाला जो दिखा रही हूँ ये 1200 का है क्योंकि इसमें शॉल पे और नेक पे आपको अच्छी फैशनेबल जो है एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलेगी अच्छी वाली ठीक है पार्टी वेयर वाला थोड़ा सा सेट है और इसमें आपको मतलब मैंने डिज़ाइन दिखा दिए तो इसमें आपको कलर अलग अलग मिल जाएंगे सो तो ये जयश्री बालाजी नाम से शॉप है परमानेंट तिलक नगर की और इनके पास ना ये वाले जो सेट आप देख रहे हो जो नीचे हैं इसमें आपको शॉल नहीं मिल रहा है सो तो ये क्या है कुर्ती और पैंट्स का सेट है शनील में सेम आ, क्या कहते हैं आपकी क्वालिटी है शनील की सिक्स हंड्रेड की रेंज में तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी आई एम जस्ट वेटिंग के इंदर लोग में कब ये मिले और कब मैं आपको दिखाऊं सो अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे ज़रूर ज़रूर आ सकते हो नेक्स्ट ट्यूसडे भी आप यहाँ पे आ सकते हो ये शनील का नहीं है ये वुलन में है कुर्ती और प्लाजो आपको मिल जाएगा सिक्स uh, फिफ्टी का और रॉयल ब्लू भी मुझे इसमें कलर बहुत अच्छा लगता है सो देख सकते हो आप सीक्वेंस का कितना प्यारा वर्क है इस तरीके की स्लीव्स आएंगी साथ में पैंट्स हैं सो ये सिक्स हंड्रेड का आपको सेट मिलेगा और इसमें अंकल बार्गेनिंग नहीं करते हैं इनकी जो शॉप है ना इनके बिल्कुल सामने ही इनकी दूसरी शॉप है जहाँ पर आपको ये साड़ी लुक का वन पीस ड्रेस मिल जाएगा इसका प्राइस इन्होंने मुझे बताया था पंद्रह काफ़ी ट्रेंडिंग है ये भी आजकल आपने देखा होगा जॉर्जिट में होता है तो यहाँ पर भी पैपलम सूट शरारे ये सब आपको मिल जाएंगे अलग अलग प्राइस में ठीक है सो अभी यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे की अपनी मार्केट में तो आपने देखा होगा मैंने स्टेला स्टोर से एंटर किया और मैंने उसके बाद से कोई लेफ्ट कोई राइट नहीं लिया ये बिल्कुल एक सीधी रोड है और आपको यहाँ पे दोनों ही साइड्स पर पूरा फुल मार्केट ट्यूसडे को लगा रहेगा इसी रोड को भी तिलक नगर का मंगल बाजार रोड कहते हैं ठीक है सो अभी मैं और आगे आ गई हूँ यहाँ पे आप देखोगे आगे तो सूट्स का बहुत अच्छा स्टॉल मुझे दिखा पंजाबी सूट्स वगैरह आपको मिलेंगे फिर एक आपके लेफ्ट में ये शॉप्स चल रही हैं जहाँ पर आपको मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मेकअप किट्स मिल जाएंगी हेयर असेसरीज़ के बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे ठीक है फिर राइट में आप देखेंगे यहाँ पे माता गुजरी जी का हॉस्पिटल है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना यहाँ पे रश बढ़ता जाता है तो आपको मैंने जैसा कि कहा साढ़े तीन चार बजे आप मार्केट पहुँच जाना और अपने पर्स मोबाइल का हर जगह पे ध्यान रखना कई बार यहाँ पे वो जाता है कस्टमर सामान लेते हैं और फिर किसी शॉप पे छोड़ के चले जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना आगे यहाँ पे जो मैं आपको एक शॉप दिखा रही हूँ उनके पास हंड्रेड रुपीज़ में शॉल और स्टॉल्स मिल रहे थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तो आप पहुँचते के साथ ही इसमें से ले सकते हो जो भी चीज़ आपको पसंद है ये सब फोल्डेड हैं लेकिन आप लेने से पहले हर चीज़ को ओपन करके उसके बाद खरीदना आगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लैंकेट्स और कोल्ड्स के शॉप मिलेंगे ये वाली जो दीदी जी हैं ज्वेलरी वाली इनको मैंने जनकपुरी सी के भी ब्लॉग में दिखाया था दिवाली आसपास जो मैंने कवर किया था तो वो आपको यहाँ पे भी मिलेंगी माता गुजरी जी का जो हॉस्पिटल है उसे क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ मिलेंगी इनके पास आपको एडी की ज्वेलरी आर्टिफिशियल गोल्ड की ज्वेलरी इसके अलावा टेम्पल ज्वेलरी इस तरीके के मिल जाएंगे हैवी सेट्स लाइट वेट पेंडेंट्स रिंग्स सब कुछ इनके पास में रहता है और बार्गेनिंग भी दीदी थोड़ी बहुत कर लेती हैं जैसा जिसका रेट हो ठीक है तो ये देखिए ये इस तरीके की ज्वेलरी हैवी पेंडेंट सेट्स आपको मिल जाएंगे रानी हार मिल जाएगा आर्टिफिशियल गोल्ड का मिल जाएगा कुंदन और पर्ल्स का ये सेट है सभी इसमें जो है मोस्टली एयरिंग्स के साथ में मिलते हैं सो यहाँ पे इनका पालजी स्टील सेंटर शॉप है इनके आगे ये मिलेंगी आगे एक स्टॉल देखा मैंने जहाँ पर कि टू फिफ्टी में ये शनील के वुलिन टॉप्स मिल रहे थे गर्ल्स के और इसमें अपर भी था लोअर भी था सब कुछ मिक्स था बस ये है कि आपको हर चीज़ अच्छे से चेक करके लेनी है और मैंने इंदर लोग में भी ये सब चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज में ये वाला फैब्रिक मिलता है इसमें जो साइज़ है वो आपको 10 से 12 साल तक की गर्ल बेबी के मिलेंगे इसके बाद एक दीदी जी यहाँ पे ये कैप सेल कर रही थी इसमें बच्चों की बड़ों की सबकी थी फिफ्टी रुपीज़ की सेल में क्वालिटी अच्छी थी ये ऐसा सेकेंड हैंड नहीं लग रहा था अगर लग रहा होता तो मैं इधर को कैमरा भी नहीं करती और अपना मुँह भी नहीं करती कुछ भी नहीं करती मैं आगे बढ़ जाती अच्छा लग रहा था इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ बाकी वैसे भी आपको जैसे रेडी पे बहुत सारे भैया और स्टॉकिंग्स सॉक्स वगैरह लगाए रखते हैं ना वो आपको इस मार्केट में भी मिलेंगे इन्हीं दीदी के पास में ना बच्चों के सौ रुपये में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल रहे थे ये ज़ारा के नहीं है ये तो टैक्स तो बस बदनाम से हो गए हैं किसी भी कपड़े पर लगा देता है कोई भी लेकिन क्वालिटी इनकी कपड़ों की काफ़ी अच्छी है आगे यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत ही सारे शॉप्स पे आपको नाइट सूट्स और मैक्सी वगैरह मिलेंगे बुलन वाली हर एज ग्रुप के लिए और आपको यहाँ पे इस तरीके की पार्टी वेयर ड्रेसेस मिल जाएंगी सेवनटीन एटीन ईयर तक की गर्ल के लिए आगे यहाँ पे एक हंड्रेड रुपीज़ का स्टॉल था आप देख सकते हो कितनी क्यूट इसमें बुलन फ्रॉक लगी हुई है ये मीडियम साइज की थी मतलब मुझे भी आ जाती है आराम से तो इनके स्टॉल में ये वाला जो रैक है इसमें मोस्टली ड्रेसेस लॉन्ग थी इसके बाद देखिए आप हंड्रेड रुपीज़ में यहाँ पे शनील के बहुत ही अच्छे टॉप से स्कर्ट से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हो और ये जो इन्होंने रेट लिख दिया है ना तो फिर इसमें कोई और बार्गेनिंग नहीं होती है जब ऑलरेडी सेल प्राइस लिखा हुआ है हंड्रेड तो फिर इसमें और कोई वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं ठीक है थीके? लेकिन क्वालिटी वाइज़ कह रही कैरियो मैं बहुत 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 अच्छा क्वालिटी था इनकी शॉप ना आपको दूर से दिख जाएगी क्योंकि इनके पास में मोस्टली जो मटेरियल था वो सब शनील का था तो इसमें थे आपके लोअर्स और टी शर्ट्स ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे वन पीस ड्रेसेस लगी हुई हैं इनका सबका फिक्स प्राइस सेल है जो कि टू फिफ्टी रुपीज़ का है आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो मोस्टली इसमें वेस्ट लेंथ तक का था और नीचे यहाँ पे आप देखेंगे शनील के ड्रेसेस और टॉप्स लगे हुए हैं बहुत ही सारे सो ये भैया ने बताए हैं सारे के सारे फोर फिफ्टी रुपीस के जो कि शनील के हैं लॉन्ग ड्रेसेस इस तरीके के आप सामने जो देख रहे हो मतलब ये बिल्कुल मैक्सी ड्रेसेस थी फ्लोर लेंथ तक की भी थी वन पीस थी काफी कुछ डिजाइनर भी थी ये सारी जितनी भी आप देख रहे हो ये फोर फिफ्टी रुपीज की रेंज में भैया जी दे रहे थे और इसी वाली शॉप पर मुझे मेरे दो सब्सक्राइबर मिले थे गीतांजलि मैम और रजनी मैम जो कि पश्चिम विहार बी जी सिक्स से आए हुए थे इस मार्केट में और उन्होंने मुझे पहचाना आई डोंट नो हाउ सो थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा मैम आप लोगों से मिलके इसी तरीके से मिलते रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने यहाँ से क्या क्या शॉपिंग की थी अच्छा आगे ये जो मैं आपको सोफा कवर्स की शॉप दिखा रही हूँ ना भैया के पास में ये रेट जो बताएगी वो बताने वाले अलग होते हैं लेकिन ये इसमें बार्गेनिंग भी कर देते हैं तो मैं आपको जो रेट बता रही हूँ वो इनके वो प्राइजेज़ है जो वो आफ्टर बार्गेनिंग आपको दे देंगे जैसे हंड्रेड रुपीज़ में भी आपको पर पीस मिल जाएगा एक सौ दस का मिल जाएगा डेढ़ सौ वाला वो एक सौ पच्चीस रुपये पर पीस लगा देंगे ये सब वो बता रहे थे ठीक है तो ये वो फ़ैंसी वाले जो हम ऐसे दिवाली पे या किसी पार्टी फंक्शन में बिछाते हैं शनील वेलवेट वाले वो वो वे सोफ़ा कवर से पर पीस के हिसाब से ये भैया देते हैं और अब जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ उनके पास में एकदम कलेक्शन हटके है ये कलेक्शन मैंने आखिरी बार करोल बाग मंडी मार्केट में देखा था और उसके बाद से अब देख रही हूँ मैं इस मार्केट में तो इसमें कुछ एक आधा पीस आपको ऐसे वैसे लग सकते हैं लेकिन आपकी चॉइस और थोड़ी मेहनत पर डिपेंड करेगा आप क्या लो यहाँ पे जो आप ये जैकेट देख रहे हैं ना ये जेनवन लेदर है फॉर श्योर फाइव हंड्रेड की जैकेट है और इस तरीके के और भी अलग अलग ब्राउन शेड्स लगे हुए हैं सामने जो आप देख रहे हो इसमें जो पे मैंने ग्रीन टिक लगाया ये मैंने बहुत शेज़ किया था माय गॉड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल और ये भी जेनुन लेदर है ओनली ड्राइग लीन ये सब लिखा हुआ है इसमें कभी वेयर करके दिखाऊंगी बहुत अच्छी है सबसे बड़ी बात कि वो लेदर ही है प्योर लेदर है वो रैक्सीन नहीं था बाकी जो नीचे आप टेबल पे देख रहे हो ना फाइव हंड्रेड रुपीज़ में टू आप कोई भी ले सकते हो और सिंगल लोगे तो भैया ने बताया कि आपको थ्री हंड्रेड का पड़ेगा तो थ्री हंड्रेड के हिसाब से भी मैं कहूँगी तो कलेक्शन काफ़ी अच्छा है ठीक है इसमें भी मैंने कोई ऐसा नहीं देखा मैं सच कह रही हूँ जिसमें कोई स्टेन लगा हो या कहीं कट्टा हो वो चीज़ मैंने इसमें नहीं देखी इनके बिल्कुल सामने अभी इनकी लोकेशन मैं आपको बता दूंगी लेदर वाली जैकेट मैंने जहाँ से लिए इनके बिल्कुल सामने ना बेबी गर्ल्स के ट्रेडिशनल आउटफिट्स मिल रहे थे ये लहंगा इन्होंने मुझे फिफ्टीन हंड्रेड का बताया जिसमें मैक्सिमम साइज़ थर्टी एट का मिल जाएगा थर्टी एट मेरा साइज़ है तो मेरे जितना बड़े बच्चे का साइज़ इनके पास मिलेगा और इनके पास में आपको वुलन फ्रॉक्स मिल जाएंगी शरारे गरारे पैपलम सूट ये सब तो ये आप सामने देखोगे यहाँ पे चारू हैंडलूम है और सूर्या प्रॉपर्टी है तो इन दोनों बोर्ड के, के बिल्कुल सामने ये लेदर जैकेट वाले भैया आपको मिलेंगे आगे इनसे एक शॉप लगती है वहाँ पे ना हंड्रेड रुपीज की सेल में इस तरीके की स्वेट शर्ट वगैरह मिल रही थी और ये जो लेदर जैकेट वाले भैया मैंने दिखाया इनके जस्ट बगल में एक और शॉप थी जहाँ मैंने पेमेंट की थी इस लेदर जैकेट के लिए मुझे याद है सो so, उनके पास में वन पीस ड्रेसेस थी बहुत अच्छी जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारा बर्थडे आ रहा है विंटर्स में तो हमें विंटर में कुछ अच्छी सी ड्रेस लेनी है सो so, उनके पास मिलेगी आपको मैं कवर नहीं कर पाई रियली सॉरी नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूंगी आगे यहाँ पर जो आप ड्रेसेस देख रहे हैं ये लॉन्ग वाली हैं टू फिफ्टी की नी लेंथ तक की इसमें ज़्यादातर ड्रेसेस थी और कोई इसमें फ़र्ज नहीं है कोई इसमें लेंस नहीं है एकदम प्योर एकदम सुंदर वाला फैब्रिक बिल्कुल मक्खन जैसा आगे यहाँ पर ना ये रेडीमेड सेट्स में रहे थे कुर्ती और प्लाजो दुपट्टा ये सब इस तरीके का ये सेट है सिक्स फिफ्टी का और अगर आप इसमें वूलन वाला लेते हैं तो वो आपको एट फिफ्टी और नाइन हंड्रेड इस तरीके की रेंज में मिल जाएगा इसमें अंकल जी के पास जो मैक्सिमम साइज रहेगा वो रहेगा फोर्टी एट ठीक है तो ये बिल्कुल सीधी सी सड़क है लेफ्ट और राइट दोनों जगह आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी आगे जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ इनके पास में हैवी से हैवी पंजाबी सूट्स मिल रहे थे फुलकारी दुपट्टे वाले शरारे वाले भी थे शनील वाले भी थे तो मैक्सिमम प्राइस इनका 1500 1600 का रहता है इसके बाद जो टेबल मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे 250 फिफ्टी में हाफ़ जैकेट और फुल जैकेट्स मिल रही थी और इसमें जो साइज़ था वो सिक्सटीन ईयर्स एंड नब था और भैया के पास मोस्टली जैकेट्स जो थी वो हाफ स्लीव्स थी तो ये शॉप भी जब मैं इनके पास आई हूँ तो लगभग पाँच सवा पाँच का टाइम हो रहा था जबकि इनके पास मैंने भीड़ जो है वो पौने चार बजे ही देख ली थी तो इसीलिए कह रही थी मैं आपसे अगर आप आना चाहो ना थोड़ा सा जल्दी आना इनके सामने आपको यहाँ स्नीकर्स मिल जाएंगे टू फिफ्टी के और पीछे जो आप बूट्स देख रहे हैं विंटर्स वाले ये आपको थ्री फिफ्टी थ्री हंड्रेड की रेंज में मिल जाएंगे इसके बगल में ना एक अंकल जी यहाँ पर क्रॉकरी आइटम लिए हुए थे तो इन्होंने मेला माइन क्रॉकरी बोला बट मुझे किसी एंगल से मेला माइन लगा नहीं ये वो प्रिंट है जो कि बाद में थोड़ा वॉश आउट हो जाता है बट कलर इज़ गुड सो so, फोर्टी रुपीज़ ट्वेंटी रुपीज़ ट्वेंटी रुपीज़ ये बच्चों के प्लेट्स मिल जाएंगे आपको कॉलम वाली फ़िफ्टी रुपीज़ की तो इसी तरीके के अंकल के पास में रेट रहते हैं और ये सभी रेट फिक्सड हैं इनमें ये अंकल कोई बार्गेनिंग नहीं करते ठीक है यहाँ पे बोल्ड आप जो देख रहे हो मेरे हाथ में ये था ट्वेंटी रुपीज़ का तो ये सब चीज़ें आप इनसे ले सकते हैं इसके बाद में जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ ये वो भैया हैं जो कि जिम वेयर भी लाते थे समर्स में एक भैया थोड़े से हेल्दी टोपी लगाते हैं आपको अलग से पहचान में आ जाएंगे सो तो इनके पास में यहाँ पे टू फिफ्टी रुपीज़ में बहुत अच्छे ब्लेजर्स और कोट थे इनसे मैंने ये रॉयल नेवी ब्लू वाला परचेज़ किया है और ये जितना रॉयल नेवी ब्लू है उतना ही रॉयल इसके लुक्स हैं अभी जो मैंने इंदरलोक में लिया था ना सेवन वाला उससे काफ़ी मिलता जुलता इसका मटीरियल है एंड आई रियली लव डेट कलर भी बहुत अच्छा है सो so, इस तरीके के अच्छे वाले पीसेज़ आपको इस मार्केट में बहुत ही बजट में मिल सकते हैं जो कि आप वैसे कहीं रिटेल शॉप में लेने के जाओगे तो थाउजेंड प्लस से भी ऊपर के ही मिलते हैं यार सो so, आगे ही जो अंकल जी हैं इनके पास में ट्राउजर्स मिल रहे थे देख सकते हो आप ये मटेरियल अभी फ़ैब्रिक मैंने आपको रॉ फैब्रिक दिखाया कतरन मार्केट में सेम तो ये वही फैब्रिक है जिसके यहाँ पे पजामे मिल रहे हैं तो वन सिक्सटी रुपीज़ का ये पजामा है वन सिक्सटी रुपीज़ में आप यहाँ से इस तरीके की टी शर्ट ले सकते हो और ये सारे फ्रेश हैं अगर आप शायद अगर आप मोती नगर वेडनेसडे मार्केट जाते थे तो वहाँ पे एक अंकल आते थे जो कहते थे धक्का मारो सॉरी बोलो <laughs> क्योंकि उनकी शॉप पे वाकई धक्का बुक्की होती थी तो ये वही वाले अंकल हैं जो यहाँ पे लगाते हैं तिलक नगर ट्यूजडे मार्केट में थोड़े से मिडिल ईस्ट हैं और ये कार्ड और बोर्ड जो मैं अंकल का दिखा रही हूँ इन्होंने मेरी शॉप की मेरे फ़ोन को रिचार्ज करने में क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलने पे पता चला मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था ना मेरा पेटीएम काम कर रहा था ना मेरा फ़ोन चल रहा था सो ही हेल्प मी आउट इनका मैंने आपके साथ में कार्ड शेयर किया है थैंक यू सो मच अंकल जी उन्होंने कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं लिए ही सो गुड सो इसके बाद ना वो ब्लू जैकेट जो मैंने आपको दिखाया ना मैं उसकी पेमेंट करने गई थी तो वापस से वही वाली शॉप में आपको दिखा रही हूँ ये भैया आपने देख लिए ना ये जिमवेयर भी लाते हैं इन्हीं से अभी मैंने ब्लू कोट परचेज़ किया और ये बाकी का उनका मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया था बट आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी सो फिर मैंने रिचार्ज कराया मेरा पेटीएम चला तो मैंने बाकी की पेमेंट की थी सो so इस तरीके का कलेक्शन भैया के पास आपको मिलेगा नीचे 250 था सारा ऊपर जो आप देख रहे हैं लेदर लुक की बहुत एक से बढ़कर एक जैकेट्स मिलेंगे आपको इनके पास इनके बाद था, आपको यहाँ पे बेबीज़ के लिए इस तरीके की बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक मिल जाएंगी इसका प्राइस इन्होंने सिक्स फिफ्टी बताया इनके पास में वुलन भी है एथनिक भी है बेबी गर्ल्स का और ये पूरी मार्केट में आपको मिलेगा बेबी गर्ल्स के लिए इसके बाद जो मैं स्टॉल दिखा रही हूँ इनके पास में टू हंड्रेड रुपीज़ की एक से बढ़कर एक मिनी स्कर्ट्स थी और ये एग्जैक्टली वही है जो मैं सरोजिनी में ढूंढ रही थी दिस कलर आई वॉन्टेड बट इसकी शेप अगेन मुझे सूट नहीं करती तो मैंने नहीं लिया ये देखें यहाँ पर ये वेलवेट का इतना प्यारा सुरॉस की वर्क का शॉर्ट्स है मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी आपको चाहे इस रैक में सिर्फ पचास ही कपड़े मिलेंगे लेकिन वो एक से बढ़कर एक टक्कर के होंगे इसके बाद ना मार्केट में एक ही शॉप देखी है मैंने बैग्स की जो मुझे अच्छी लगती है इनके पास जो टेबल पर है सिक्स फिफ्टी की रेंज में रहेंगे और ये एकदम लेटेस्ट होते हैं जैसे मैं इंद्रलोक वाले भैया के पास दिखाती हूँ ना बिल्कुल उनकी टक्कर का ही आपको हर चीज़ बैग स्लिंग और पार्टी वेयर क्लचेस पर्सेस इन भैया के पास में मिल जाएंगे सामने भी आप देख रहे होंगे जितना भी लेटेस्ट है वो सब इनके पास में रहता है और सामने मैं आपको एक टॉप पे सबसे टॉप पे दिखाने की कोशिश कर रही थी बट लाइट रिफ्लेक्शन काफ़ी कम था तो मैं नहीं दिखा पाई इसके बाद यहाँ पर आपको कार्डिगन्स मिल जाएंगी लेडीज़ की ये भी सारी फ्रेश थी, थी थ्री की रेंज में सो ये आप ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहो रश बहुत ज़्यादा रहता है शॉप्स पे अच्छा कुछ यहाँ पे सेलेक्टेड शॉप्स हैं जो कि तिलक नगर आने वालों को पता है कि हमें एकदम डायरेक्टली उन्हीं के पास जाना है तो मार्केट लगी हो चाहे ना लगी हो साढ़े तीन बजे भी उन शॉप्स पर आपको एकदम अच्छी भीड़ देखने को मिलेगी आगे जो मैं शॉप दिखा रही हूँ इनके पास में जो हाफ स्लीवस की ये जैकेट है इतनी ब्यूटीफुल कलरफुल सी ये टू की है और जो बड़े साइज की मिलेंगी या फुल स्लीव्स की मिलेंगी वो आपको थ्री फिफ्टी रुपीज़ में मिल जाएगी तो जब मैं इनके पास पहुंची देखने से ही लग रहा था कि इनका जो माल है वो छट चुका है क्योंकि ये बहुत अच्छा कलेक्शन लाते हैं नो डाउट नेक्स्ट जो मैं शॉप दिखा रही हूँ ये भैया Uh, दो रैक लगाते हैं तो इनके पास एक रैक जो है ना ये टू हंड्रेड वाला है और इसमें बहुत अच्छी लेदर पैंट्स मिल रही थी जैसे मैंने लेदर जैकेट ली बिल्कुल उसके मैचिंग मिल रही थी बट मैंने नहीं ली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर लगता है मुझे बिल्कुल ये लेदर में आप समा जाओ सो so, यहाँ पर अगर आप लेना चाहो लेदर पैंट्स बहुत अच्छी मिलेंगी आपको अभी मैं आपको इसमें ब्राउन भी दिखाऊंगी ब्राउन शेड की भी है और इसमें आपको जिम वेयर के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे स्वेट मिल जाएंगे विंड शेटर्स मिल जाएंगी गर्ल्स की इसमें मिनी स्कर्ट्स मिलेंगी आपको वुलिन भी मिलेगी आपको इसमें क्या कहते हैं जीन्स वाली भी मिलेगी डेनिम की ठीक है ये देखिए एक और मैंने निकाली इसमें लेदर पैंट ये भी लेदर पैंट है जो आप देख रहे हैं या एक और आएगी अभी शायद आगे ये जो मैं दिखा रही हूँ सारी लेदर पैंट्स थी भैया के पास बहुत अच्छे मटेरियल में ठीक है ये देखिए मिनी स्कर्ट्स मिल जाएंगे इस तरीके की सो ये था टू हंड्रेड वाला रैक और इसके बाद जो मैं रैक दिखा रही हूँ ये भी इनकी का है जिसमें कि जो सारा आइटम है वो था थ्री हंड्रेड का तो ये जिम वेयर था बहुत अच्छे मटेरियल में जो आप थ्री सिक्सटी फाइव डेज वेयर कर सकते हो इस तरीके की डेनिम शॉर्ट जैकेट्स मिल जाएंगी सो कलेक्शन मैं कह रही हूँ सारे ही बहुत अच्छे हैं आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये लें या ये लें या ये लें इस तरीके की ये मार्केट है आगे यहाँ पे क्रॉकरी का आपको भर भर के आइटम मिलेगा बहुत ही सारा एक जनकपुरी सी फोर में भी भैया आते हैं बहुत अच्छी यूनिक सी क्रॉकरी होती है उनके पास वो भी इसी मार्केट में आएंगे आपको ट्यूसडे को मिलेंगे हंड्रेड रुपीज़ में इस तरीके के आपको बहुत ही क्यूट टॉप्स मिल जाएंगे और ये वो वाली शॉप है जहाँ मैंने कहा था कि ये भैया सेकेंड हैंड कपड़े ले लेते हैं अगर आपका कोई ड्रेस या लहंगा है तो बट इस बार जब मैं भैया के पास पहुँची तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम जी इस बार मेरा नंबर मत डालना मुझे बहुत लोगों ने परेशान किया मैं सस्ता लाती हूँ सस्ता ही बेचता हूं बट वो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे सो so, उन्होंने मना किया है ओरिजिनल तो मिल भी, भी मिलेंगे जो पर्पल मैंने आपको दिखाया ना वो ऑरिजिनल थे और इस मार्केट में आगे एक मतलब एरिया आता है वहां पर आपको शूज ही शूज मिलेंगे बैक टू बैक बहुत सारी शॉप्स हैं बहुत सारी सो so, उनमें से एक मैं दिखा रही हूँ क्योंकि आंटी जी वैसे वीडियो बनाने देती नहीं है तो मैं चोरी छुपे जितना आपको दिखा पा रही हूँ दिखा रही हूँ ये वाला इन्होंने मेरे को थ्री थर्टी का बताया लास्ट रेट जो आपने बूट देखा और बाकी भी जो ऐसे हैं टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी इस तरीके के रेंज में मिलते हैं अगर वो आपको फाइव हंड्रेड भी कह रहे हैं ना तो आपको थ्री फिफ्टी का दे देते हैं तो बस मैं छुपा छुपा के आपको जितने दिखा पा रही हूँ देख लो समझ जाओ क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी है एक और भैया है वो भी बहुत अच्छा कलेक्शन लाते हैं बट उनके पास वीडियो नहीं बनता उन्हीं के पास में एक बैग वाली दीदी लगाती हैं इतने मस्त उनके पास लिंग्स और बैग्स थे बट वो भी वीडियो नहीं बनाने देती तो ये सब चीज़ें भाई आप अपने आप हैंडल कर लेना आगे यहाँ पे फैंसी ड्रेसेस का एक स्टॉल लगता है इनके पास भी सब कुछ आपको असॉर्टेड मिलेगा टेबल पर जो नीचे लगा रखा है भैया ने वो सब सेवन का था जिसमें कि काफ़ी अच्छे क्रॉप टॉप्स मिल रहे थे अगर आप टीन गर्ल हो और आपको शॉपिंग करनी है सो यहाँ पर आप सेवन में इस तरीके के क्रॉप टॉप शरारा सूट्स बहुत ही अच्छे अच्छे मटेरियल में ले सकते हो पर इसमें ये नहीं है कि आपको ज़्यादा साइज के या कलर के ऑप्शंस मिलेंगे जो है वही आपको मिलेगा लेकिन ये सब कुछ फ्रेश है जैसे ये आप ये वाला देख रहे हो ब्लू कलर का इसका स्कर्ट कितना ब्रिटी है तो ये भी आपका सेवन हंड्रेड का था इसमें दो ऑप्शंस थे एक ब्लू था और एक रेड था तो इस तरीके का आप कलेक्शन यहाँ से ले सकते हो इनके शॉप के बिल्कुल पास में एक शॉप मिलेगी जहाँ पर आपको वेस्ट कोट्स और लॉन्ग कोट्स दोनों ही मिल जाएंगे ठीक है ये भैया ना होलसेल में भी देते हैं तो होलसेल में क्या है अगर आप बल्क में परचेज़ करते हो इनसे तो आपको सौ पचास रुपये कम कर देंगे पर पीस वैसे इनके पास में मैक्सिमम जो है फोर फिफ्टी रुपीज़ तक की रेंज रहती है रिटेल में जिसमें कि भैया बार्गेनिंग वगैरह कर देते हैं ठीक है सो तो ये केक्स पता नहीं कौन सा शोरूम था इसके बिल्कुल आगे की वाली शॉप है जहाँ पर आपको मिलेगा इन्हीं के पास में पे ओनली फिफ्टी रुपीज़ में बेबीज़ के क्लोथ मिल रहे हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत बहुत अच्छी थी फिफ्टी रुपीज़ में इस तरीके का आपको ब्यूटीफुल सा स्वेटर कहीं नहीं मिलेगा अगर आप बुनने भी बैठोगे तो कम से कम एक डेढ़ महीना लग जाता है बहुत मेहनत लगती है ना तो so फिफ्टी रुपीज़ में यहाँ से आप ले सकते हो इनके शॉप के बिल्कुल पास में एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वाले भैया शॉप लगाते हैं उनके पास ना ये टीन गर्ल तक के साइज़ के मिल रहे थे जैसे दो चार दो छः होते ना तो इसमें दो चार तक का ऐसा साइज़ था मतलब बहुत ही छोटा साइज़ था सुंदर बहुत है तो ये चार कड़े दे रहे थे फिफ्टी रुपीज़ के बाकी इनके पास फिफ्टी हंड्रेड वन फिफ्टी इस तरीके के प्राइस में ये सारा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल जाता है और ये मार्केट काफ़ी लंबा है आगे बिल्कुल आपका आई थिंक एक डेढ़ किलोमीटर लंबी रोड है दोनों साइड्स पर बहुत ही सारी शॉप्स लगती हैं सो so, किसी भी एक शॉप पे एकदम टिक मत जाना और किसी भी एक दुकान से बहुत ज़्यादा बल्क बाय मत कर लेना क्योंकि आगे आके जितना आप आगे मार्केट में जाते जाओगे आपको और भी अच्छा स्टफ़ मिलता जाएगा यहाँ पर जो मैं स्टॉल दिखा रही हूँ इनके पास में थ्री हंड्रेड की सेल थी जैकेट्स की और सभी का स्टफ़ काफ़ी अच्छा था मैं फिर कह रही हूँ इसमें से कोई भी ऐसी नहीं थी कि यहाँ से कटी है वहाँ से फटी है मैडम अपने आप देख लो ऐसा कुछ भी नहीं था हर पीस अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही फिट एंड फाइन था लेकिन आप हमेशा हर चीज़ को बस चेक करके लेना और जिस दुकानदार से ले रहे हो उनसे कन्फर्म कर लेना कि चांस साइज का प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो वो रिटर्न एक्सचेंज करेंगे या नहीं ठीक है और किसी भी मार्केट में चले जाओ हर किसी की यही पॉलिसी है कि उनका जो बोनी का टाइम होता है बिल्कुल मार्केट लगने का उस टाइम पर कोई रिटर्न एक्सचेंज नहीं करता तो वो एक दो घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं आगे एक भैया ने यहाँ पर शूज़ की सेल लगा रखी थी जो कि टू हंड्रेड रुपीज़ में थी अब जो शूज़ की और फुटवेयर की शॉप में आपको नहीं दिखा पाई ना वो तो बहुत ही ज़्यादा मापल्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा बट वो लोग वीडियो नहीं बनाने देते हैं मैं तो स्पेशली मतलब फुटवेयर के लिए इस मार्केट में जाती हूँ बट इस बार मुझे कुछ नहीं मिला अगली बार जब भी जाऊँगी टाइम से जाऊँगी जो भी लूँगी आपके साथ शेयर करूँगी और जो भी लिया है वो भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए गॉड ब्लेस यू ऑल